हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, चांद पे एलियन होते हैं। आज हम आपको एलियंस के बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं जो हमारे चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई है। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 384,000 किमी दूर चांद की यात्रा पर गया है। आज उसने एक और छलांग लगाई, वह अब चांद के बेहद करीब आ गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की कई भाषाओं में संदेश अरबों किमी दूर चला गया है? हाँ, हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर चला गया है, सबसे दूर, जहां तक अभी कोई नहीं पहुंचा। क्या धरती से दूर स्पेस में कहीं कोई और है? क्या एलियन होते हैं? अगर हाँ तो उनसे कैसे संपर्क किया जाए? ये सवाल हमारे जहन में उत्सुकता बढ़ा देते हैं। 2 दशक पहले ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी, कोई मिल गया। इसमें दिखाया गया था कि एक साइंटिस्ट स्पेस में सिग्नल भेजते हैं, यह एलियन से संपर्क साधने की कोशिश थी। बाद में उनके बेटे ने साउंड भेजी तो जवाब के साथ एलियन खुद भी आ गए। ऐसे समय में जब अपना चंद्रयान 3 करीब 4 लाख किमी के सफर पर चंदा मामा के पास गया है, वह तस्वीरें भेजकर अपना संदेशा भी भेज रहा है। 14 जुलाई को लैंडिंग करने की दिशा में एक छलांग और लगाई। एक सवाल आपके मन में उठ सकता है कि स्पेस में बिना गए क्या संदेशा भेजा जा सकता है? क्या कोई मिल गया की तरह एलियन से संपर्क साधने के लिए कभी कुछ किया गया है? जवाब है हाँ, भारत से कई भाषाओं में कुछ ऐसा भेजा गया है जो आज अनंत ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा है, इतना दूर जहां तक न इंसान और न कोई यान पहुंचा है, इस उम्मीद में कि कभी न कभी वह एलियन को मिलेगा और वे हमें जवाब देंगे। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, आइए इस घटनाक्रम को शुरू से समझते हैं। अपुष्ट स्रोतों से कहा जाता है कि 100 साल से भी ज्यादा पहले एक खगोलविद ने सुझाव दिया था कि सहारा रेगिस्तान में बड़ा गड्ढा किया जाए और केरोसिन का तेल डालकर आग लगा दी जाए। यह उस समय की बात है जब सैटेलाइट नहीं आया था। उन्होंने कहा था कि इतने भीषण गोले में धधकती आग स्पेस से भी दिखेगी, एलियन अगर हैं तो वे देखकर समझ जाएंगे कि यहां कोई रहता है। खैर ऐसा हुआ नहीं। 1962 के समय नेहरू प्रधानमंत्री थे, भारत और चीन के बीच लड़ाई छिड़ चुकी था। उसी समय रूस ने स्पेस में एक संदेश भेजा था, यह सोचकर कि अगर कोई हो तो पढ़कर जवाब दे। यह वास्तव में रेडियो मैसेज था। शांति, लेनिन, USSR जैसे मैसेज अंतरिक्ष में भेजे गए थे। 1974 में कुछ साइंटिस्ट ने 25,000 प्रकाश दूर सितारों के एक झुंड को रेडियो संदेश भेजा। इंसानी शरीर की ड्राइंग, DNA का स्ट्रक्चर भेजा गया था। उन्हें लगा कि कोई इस कोड को डिकोड कर ले और जवाब भेज दे। 1977 में नासा ने स्पेस में अपना यान Voyager 1 भेजा था। वह समय भारत में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। यान में गोल्डन रिकॉर्ड गया है, जिसे चलाने के लिए फोनोग्राफ मशीन भी भेजी गई है और पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। दुनिया की 55 भाषाओं में संदेश रिकॉर्ड कर भेजे गए हैं। इसमें हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, मारवाड़ी, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, उर्दू, नेपाली, पंजाबी में भी संदेश हैं। अंग्रेजी में जो संदेश Voyager 1 के साथ भेजा गया है वह है हेलो फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ प्लैनेट अर्थ। हिंदी में मैसेज है धरतीवासियों की ओर से नमस्कार। उस रिकॉर्ड में संदेशों के साथ साथ कदमों, हंसी, चिड़िया, रेल, हवा की आवाजें हैं। दुनिया भर से 115 तस्वीरें भेजी गई हैं। इसमें ताजमहल की तस्वीर भी शामिल है। दुनिया भर के संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत भी रिकॉर्ड में है। नासा का यान Voyager 1 पिछले साल धरती से 23 अरब किमी दूर जा चुका था। कहते हैं कि वह चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। यह हमारे सौर मंडल से बाहर निकल चुका है। Voyager 1 से मैसेज धरती पर आने और वापस भेजने में 48 घंटे का समय लगता है। अगर आपकी रुचि यह जानने में है कि अभी Voyager 1 कहाँ है और धरती से कितनी दूर है, बाकी ग्रह उसके किस तरफ हैं, तो इसके साथ साथ इंतजार कीजिए उस पल का जब कुछ दिन बाद चांद से एक अच्छा संदेश आएगा। हाँ, Voyager 1 से एलियन का संदेश आए ना आए, लेकिन अपना चंद्रयान 3 चंदा मामा को चूमने के बाद हमारे लिए संदेशा जरूर भेजेगा। 14 जुलाई को ही चंद्रयान 3 रवाना हुआ था और 14 अगस्त को यह चंद्रमा के और करीब कक्षा में भेजा जाएगा। 23 अगस्त को इसे चांद पर उतरना है। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने लिए धन्यवाद।